रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को लद्दाख पहुंचे। इस दौरान लेह में उन्होंने 26वें किसान जवान विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सिंह का ये दौरा काफी अहम है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये उनका पहला दौरा है। साथ ही आपको बता दें कि 10 सितंबर के बाद कभी भी मुख्तार अब्बास नकवी कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। फैजाबाद के बल्लभगढ़ में प्याला स्टेशन के पास तेलंगाना एक्सप्रेस में आज सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह 7:43 पर हुई। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी के अनुसार ब्रेक बाइंडिंग में तेज आग और धुएं के कारण ट्रेन को प्याला स्टेशन के पास रोकना पड़ा। ब्रेक बाइंडिंग की आग 2 कोचों तक फैल चुकी थी, जिसके बाद इन्हें खाली कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस बीच ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। फ्रांस भारत को अन्य रक्षा उपकरणों के साथ 36 और राफेल बेचना चाहता है। इसमें नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर और कोस्ट गार्ड के लिए सबमरीन भी शामिल है। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम्यूनल बोन भारत के एनएसए अजी डुबाल के साथ मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में राफेल सहित अन्य रक्षा उपकरणों पर बातचीत हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि एनएसए स्तर की यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब एक हफ्ते पहले ही G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की मुलाकात हुई थी। दोनों ने पहले पेरिस में और फिर बियारेस शहर में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रियों से कहा कि वो सार्वजनिक तौर पर ऐसे दावे ना करें जिन्हें कि वो पूरा ना कर सकें या जो उनके क्षेत्र में नहीं है, और विविध मुद्दों पर बात करने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ही प्रधानमंत्री ने मंत्री परिषद के सदस्यों से कहा कि वो सलाहकार के तौर पर अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति ना करें। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ये टिप्पणी इसलिए की है क्योंकि वो मंत्रियों की मीडिया और सार्वजनिक तौर पर गैर जरूरी टिप्पणियों से नाराज हैं। उन्होंने मंत्रियों से साफ तौर पर कहा है कि वे केवल तथ्यों को बताएं या ऐसे दावे करें जो स्थापित हो सकें। मोदी इससे पहले भी मंत्रियों को इस तरह का संदेश दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पाबंदियों में ढील देते हुए जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में मोबाइल सेवा बहाल कर दी है। बुधवार देर रात किश्तवाड़, रामबन, डोडा, रजौरी और पुंछ में मोबाइल कॉलिंग पर लगाई गई रोक हटा दी गई है। इन जिलों में हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। किश्तवाड़ और रामबन में दिन में धारा 144 प्रभावी होने के साथ रात का कर्फ्यू जारी है। बुधवार देर रात 10 बजे जम्मू संभाग के इन 5 जिलों में मोबाइल कॉलिंग सेवा बहाल कर दी गई है। इससे पहले 5 जिलों में ये सेवा पहले से सुचारू है। इस सेवा के शुरू होने से लोगों को राहत मिली। कश्मीर को भारत का आंतरिक मुद्दा बताते हुए भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी बयानबाजी को शांत करने की जरूरत है। अमेरिकी सांसद ने कहा, कश्मीर भारतीय लोकतंत्र का आंतरिक मुद्दा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने बयानों को शांत करने की जरूरत है एवं युद्ध और संघर्ष को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ इमरान खान की बयानबाजी बिल्कुल हास्यास्पद है। खन्ना ने ये बात कैलिफोर्निया के फ्रिकमेंट में भारतीय अमेरिकी समुदाय से मुखातिब होते हुए कही। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। देश के मध्य पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीपों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कुछ दिन के लिए इन इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है।